हनुमान कथा के आयोजन के बाद देर शाम बाबा बागेश्वर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के फूल बाग निवास पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बाबा बागेश्वर का फूल बाग पैलेस में फूलमालाओं से स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, जैसे सूर्य चंद्रमा किसी के नहीं होते, वैसे साधु एक होता है। वहीं धर्म परिवर्तन पर उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन मूर्खता है, ऐसे लोगों की हिंदू धर्म में वापसी होनी चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम एक साधारण जीव हैं, जैसे ही हम अपने इष्ट बालाजी के हैं। सुनिए क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। मंत्री जी से निवेदन है कि वो आए और महाराज जी का स्वागत करें। सम्मान्य मंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत है और रास्ता छोड़ दो सामने से। सभी से आग्रह की साइड में हो जाए, सब सबको महाराज जी के दर्शन होने दें। भाई आप भी पत्रकार, अब मेरे हमारे जिला प्रमुख जी अपने बीच में, उनसे निवेदन है कि वो भी आए, महाराज जी का स्वागत करें। अलवर साहब, अलवर का मीठा महाराज जी को भेंट कर रहे हैं, जोरदार तालियों स्वागत। आप सबसे सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और शांति का दान दें। ये महाराज जी अलवर का कलाकंद है, बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। भाई अब अशोक आहूजा जी आप साइड में बैठे, बिना भैया अब आप थोड़ा सब लोग पीछे पीछे हो जाए। सुनो, एक सूत्र वो काम आएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को आप अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। और बाकी चाह तो ऐसी है, चाह तो बढ़ती रहती है। हमने चाह के ऊपर बहुत पहले एक पद गाया था, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। बोलो बागेश्वर महाराज की जय। भगवान अगर चाहे तो क्या चाहिए। अच्छा एक बात और, आप लोग कहोगे गुरुजी प्रवचन तो सुना रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये बुद्धि की कतरनी बहुत खतरनाक होती है, जब तक प्रवचन में बैठोगे अच्छा लगेगा, बाबा क्या बात है क्या बात है, ताली बजाओगे, जयकारे लगाओगे, जैसे घर जाओगे तो कहोगे यार कथा की बात है, कथा ही में ठीक है। निजी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है, क्योंकि विवेक की कतरनी बड़ी खतरनाक होती है। हम एक बार कार से जा रहे थे दिल्ली से, दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोहरा जानते हो, कोहरा फॉग। अब आप विदेशी थोड़ी हो, जानते ही हो, कोहरा भयंकर दिखाई पड़ नहीं रहा था। हमारे साथ में हमारे सारथी थे ड्राइवर, ड्राइवर बोला गुरुजी क्या करें गाड़ी रोक दें। उनका गाड़ी मत रोको, जो आगे गाड़ी जा रही उसके पीछे लगा दो, गाड़ी मत रोको, जो आगे गाड़ी जा रही उसके पीछे लगा दो, वो पहुंचेगी जो अपन पहुंचेंगे। बल्कि पहचान नहीं आगे गाड़ी किसकी है, बिना कोई जान ना पहचान पर पीछे गाड़ी लगा दी। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, गुरु की भूमिका यही होती है, जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आवे तो अपनी जिंदगी को किसी गुरु के पीछे लगा देना चाहिए। वो जब मंजिल पर पहुंचेगा आप भी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमसे कोई पूछे एक बढ़िया गुरु का नाम बताओ, हमारी नजर में तो एक ही गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जैसा सदगुरु कहीं और हो नहीं सकता। बाल समय रवि भक्त, रघुनाथ जी महाराज के आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी के दर्शन किए, रघुनाथ जी के बहुत प्रिय लगा, और दाऊ साहब का स्वभाव भी बड़ा सरल है, और हम जो है ठाकुर जी के दर्शन करके गदगद है। नहीं आप कहते हैं कि आपके दरबार में आए तो आप तो खुद ही हनुमान का स्वरूप है, आपके दर्शन मात्र से ही सारा कुछ हो जाता है। हम तो नालायक मूर्ख हैं, साधारण इंसान है, हम ना भगवान हैं ना हम महात्मा हैं, साधारण जीव हैं, जैसे भी हैं अपने बालाजी के हैं। और महाराज जी दिन में एक सवाल किया था कि कांग्रेस से आपका नाता है, आप दोबारा फूल, हमारा तो कहूँ से नाता नहीं है भैया, सब जान के तुम्हारी नजर आ है ऐसी बेटा। नहीं आपने नहीं, हमारा किसी महाराज जी सबसे जो हमारी सभी पार्टियों के चेला हैं थे और रहेंगे, साधु किसी का नहीं होता, चंद्रमा किसी का नहीं है सबका है, सूर्य किसी का नहीं सब। अच्छा बताओ गंगा किस पार्टी की है,
महाराज जी आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु किसी पार्टी जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये अलवर में मूर्खता है, घर वापसी होनी चाहिए। हरियाणा में लगे नू में धर्म परिवर्तन होता है, हरियाणा में लगे हम जाएंगे, हम लग जाए। अरे यार।